अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने मूसा अलैहि सलाम वाला चैप्टर पढ़ा था। अभी चार्जिंग लगा लो। क्यों इतनी टेंशन है, क्यों इतनी टेंशन है? नहीं चार्जिंग लगा 100% होनी चाहिए। चार्जिंग लगा लो जी। सवाल नंबर एक है, पेज नंबर 111, पेज नंबर 111। सवाल नंबर एक है, हजरत मूसा, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को किस जमाने में पैदा किया? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को किस ज़माने में पैदा किया? इसका जवाब है पेज नंबर 107, पेज नंबर 107, सेकंड स्टार, पेज नंबर 107 का सेकंड स्टार। अल्लाह ताला ने जिस ज़माने में हज़रत मूसा अलैहि सलाम को मिस्र में पैदा किया, पेज नंबर 107, सेकंड स्टार। अल्लाह ताला ने जिस ज़माने में हज़रत मूसा अलैहि सलाम को मिस्र में पैदा किया, यहाँ से लेकर इसका जवाब है इसी स्टार की फोर्थ लाइन तक। कब्ती कौम में से था, कब्ती कौम में से था। सेकंड क्वेश्चन है, काहिन ने क्या पेशन गोई की थी, काहिन ने क्या पेशन गोई की थी। पेज नंबर 107, पेज नंबर 107, लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन। काहिन ने पेशन गोई की, काहिन ने पेशन गोई की। काहिन ने पेशन गोई की, यहाँ से शुरू होगा इसका जवाब और 108 पेज की फर्स्ट लाइन के लास्ट तक, फर्स्ट लाइन 108 पेज की फर्स्ट लाइन के लास्ट तक। लड़कियों को बाकी रखा जाए यहाँ तक। उसके बाद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मकसद नबूवत को किस तरह अदा करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मकसद नबूवत को किस तरह अदा करते थे। पेज नंबर 109, पेज नंबर 109, पेज नंबर 109।
मकसद नबूवत हेडिंग, मकसद नबूवत पेज पर मकसद नबूवत, अम्बिया अलैहिस्सलाम जहां इंसानों को एक अल्लाह की इबादत के हुक्म देते से लेकर जुल्म और जबर और कैद से आजाद कराए, जुल्म और जबर और कैद से आजाद करे, यहां तक। उसके बाद है सवाल नंबर 5, फिर सवाल नंबर 4 है फिरौन और इसके लश्कर की गरकाबी में दुनिया वालों के लिए क्या नसीहत है, फिरौन और उसके लश्कर की गरकाबी में दुनिया वालों के लिए क्या नसीहत है। पेज नंबर 111, जी पेज नंबर 111, दुनिया वालों के लिए नसीहत यहाँ से लेकर फिरौन और इसकी लश्कर समुंदर में डूब गया यहाँ से लेकर बुरे अंजाम को पहुंचा यहाँ तक, 111 पेज। हेडिंग है दुनिया वालों के लिए नसीहत, इसकी फर्स्ट 2 लाइंस। फिरौन और इसका लश्कर समंदर में डूब गया यहाँ से शुरू होगा और वो अपने बुरे अंजाम को पहुंचा यहाँ तक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म क्यों दिया गया, पेज नंबर 110, पेज नंबर 110। हिजरत का हुक्म, हेडिंग है हिजरत का हुक्म, जब नौबत यहाँ तक आप पहुंची कि फिरौन का इनकार यहाँ से शुरू होगा और मिस्र से फलस्तीन हिजरत कर जाओ, मिस्र से फलस्तीन हिजरत कर जाओ यहाँ तक। जी ये क्वेश्चंस मार्क हो गए सबके, लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क कर लिए सबने। अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। जी खदीजा, दोबारा मैं जब दोबारा बताऊंगी ना फिर बताऊंगी आपको।
अभी नहीं, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करें, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट हो बताती हूँ। हज़रत मूसा अलैहि सलाम का सिलसिला नस्ब लिखे, हज़रत मूसा अलैहि सलाम का सिलसिला नस्ब लिखे। पेज नंबर 107, पेज नंबर 107। इसमें जो तारुफ वाली हेडिंग है उसकी थर्ड लाइन देखें, तारुफ वाली हेडिंग की, मूसा बिन इमरान बिन कामत बिन लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, मिस्र में कौन सी दो कौमें आबाद थी। इसके सामने लिखें पेंसिल के साथ, कब्ती कौम और बनी इसराइल। कब्ती कौम और बनी इसराइल, ये दो कौमें आबाद थी। हज़रत मूसा अलैहि सलाम की वालिदा ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कहाँ डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहि सलाम की वालिदा ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कहाँ डाल दिया। पेज नंबर 108, पेज नंबर 108, थर्ड स्टार, 108 पेज का थर्ड स्टार। जब खतरा बढ़ा तो इनकी वालिदा ने इन्हें, पेज नंबर 108 का थर्ड स्टार, जब खतरा बढ़ा तो इनकी वालिदा ने इन्हें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़े कौन से थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़े कौन से थे। पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 हेडिंग दो मौजज़े लिखा हुआ है यहाँ पर, दो मौजज़े। ये पूरा मुकम्मल 109 पेज की चमकदार होकर निकलता है यहाँ तक है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को दो मौजज़े अता किए, यहाँ से शुरू होगा ये और 109 पेज के चमकदार होकर निकलता तक, 109 पेज के चमकदार होकर निकलता यहाँ तक। उसके बाद है अल्लाह ताला ने फिरौन की कौम पर क्या निशानियां भेजी। अल्लाह ताला ने फिरौन की कौम पर क्या निशानियां भेजी। इसका जवाब है 110 पेज पर, 110 पेज पर, 110 पेज का फर्स्ट स्टार की फोर्थ लाइन पे देखें, इन निशानियों में काहत, फलों की कमी, तूफान, टिड्डियों का अजाब, जुओं का अजाब, मेंढकों का अजाब और खून का अजाब शामिल है। ये सब फाइव शॉर्ट का आंसर है। पेज नंबर 110 पर फर्स्ट स्टार की फोर्थ लाइन से फिफ्थ लाइन तक अजाब शामिल है यहाँ तक। जी मुदस्सिर,
मैंने आपसे ये पूछना था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है वो मुझे थोड़ा यहाँ से समझ नहीं आया। आपने कहा था ना कि कहन से पेश गोई की के यहाँ से लेके, फिर आपने कहा था 108 के कौन सी वाली लाइन तक। मैं दोबारा बताती हूँ, मैं अब रिपीट करने लगी थी ऐसे क्वेश्चन सब, तब आप गौर से सुन लीजिएगा ठीक है। वैसे इसका जवाब है 108 पेज की फर्स्ट लाइन तक, 108 पेज की फर्स्ट लाइन है ना, लड़कियों को बाकी रखा जाए यहाँ तक ठीक है, लड़कियों को बाकी रखा जाए मुदस्सिर पे। यहाँ पे तो ये यहाँ पे तो ये लिखा हुआ नहीं है, टे जो 108 की फर्स्ट आ रहा है ना उसपे लिखा हुआ इस मने में नबी ऊपर ऊपर बनी इसराइल के। वन सेकंड मुदस्सिर, वो उस लाइन को इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़े, शुरू से पढ़े। कहन के पेश गोई की के बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हो गया जिसके हाथ से फिरौन की हुकूमत को रवजुल आ गया, इसलिए फिरौन ने हुक्म दिया के हाँ हाँ पढ़ते जाएं। हाँ जी पढ़ते जाएं। जवाब आ गया, इसलिए फिरौन ने हुक्म दिया के इसराइल में जो लड़की पैदा हो वो उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को बाकी रखा जाए। हाँ तो यहाँ तक मार्क करें इसको, बाकी रखा जाए तक ठीक है। अच्छा ठीक है टीचर, ये हो गया मार्क। और मुदस्सिर बस यही पूछना था। यस ये पूछना था। चलें ठीक है। अच्छा जी अब नेक्स्ट है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सब क्वेश्चंस के आंसर्स। सवाल नंबर 1, लॉन्ग वाले का अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किस ज़माने में पैदा किया। इसका जवाब है 107 पेज पे, अल्लाह ताला ने जिस ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र में पैदा किया, इस ज़माने में मिस्र में दो कौमें आबाद थीं, एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता और दूसरी कब्ती कौम थी, इस ज़माने का बादशाह फिरौन इसी कब्ती कौम में से था ठीक है। फर्स्ट लॉन्ग का आंसर। सेकेंड लॉन्ग, काहिन ने क्या पेशन गोई की। इसका जवाब है 107 पेज पे, काहिन ने पेशन गोई की कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथ से फिरौन की हुकूमत को जवाल आएगा, इसीलिए फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो इसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को बाकी रखा जाए। यहाँ तक सेकेंड लॉन्ग का आंसर है। उसके बाद है थर्ड लॉन्ग का क्वेश्चन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मकसद नबूवत को किस तरह अदा करते थे। इसका जवाब है पेज नंबर 109 हेडिंग देखें, मकसद नबूवत। यहाँ पे हेडिंग है मकसद नबूवत। अंबिया अलैहिस्सलाम जहाँ इंसानों को एक अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म देते थे, यहाँ से शुरू होगा और जो जहाँ ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है जुल्म और जबर से आज़ाद करे, यहाँ तक है थर्ड लॉन्ग का आंसर ठीक है। उसके बाद है फोर्थ लॉन्ग का क्वेश्चन है, फिरौन और इसकी लश्कर की गर्काबी में दुनिया वालों के लिए क्या नसीहत है। इसका जवाब 111 पेज पे, हेडिंग है दुनिया वालों के लिए नसीहत, फिरौन और इसका लश्कर समंदर में डूब गया, ना इसकी हुकूमत काम आई, ना महलात तो बागात काम आए, ना माल काम आया, ना लश्कर, और वो अपने बुरे अंजाम को पहुंचा। यहाँ तक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म क्यों दिया गया। इसका जवाब है पेज नंबर 110 पर हिजरत का हुक्म, हेडिंग है 110 पेज पर हिजरत का हुक्म, हेडिंग है जब नौबत यहां तक आ पहुंची कि फिरौन का इनकार बुग्ज़ और दावत की हद तक पहुंच गया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जा बजा मजाक उड़ाया जाने लगा, धमकियां दी जाने लगी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अब तुम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फलस्तीन हिजरत कर जाओ। यहाँ तक
शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन लिखे पेज नंबर तारुफ हेडिंग है इसकी थर्ड लाइन, तारुफ की थर्ड लाइन मूसा बिन इमरान सवाल नंबर तीन है हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालिदा ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को कहाँ डाल दिया, तो इसका जवाब है पेज नंबर 108 पर थर्ड स्टार, 108 पेज की थर्ड स्टार थर्ड स्टार जब खतरा बढ़ा तो इनकी वालिदा ने इन्हें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक संदूक में बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। यहाँ तो उसके बाद है हज़रत मूसा अलैहि सलाम के दो मोजज़े कौन से थे 108 पेज लास्ट पैराग्राफ 108 पेज का दो मोजज़े अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को दो मोजज़े अता किए। यहाँ से शुरू होगा और जहाँ पे ये पैराग्राफ मुकम्मल होता है वहाँ तक रोशन और चमकदार होकर निकलता, उनका हाथ रोशन और चमकदार होकर निकलता है यहाँ उसके बाद तो 110 का फर्स्ट स्टाफ लाइन इन निशानियों में कहत यहाँ से शुरू होकर खून का अजाब शामिल है यहाँ तक। जी 112 पेज पे खाली जगह और इशारों की मदद से पहचाने ये आपने कर लिया सबने। जी मरियम अली हसन कलीम आप सबने ये किया 112 पेज पर खाली जगह और इशारों की मदद से पहचाने। बेटे माइक कौन है आपके? यस ठीक है। अब आप अपनी मुझे कॉपीज प्रीवियस काम कंपेयर टीचर मैं आपको अपनी कॉपी दिखा दूं? जी बेटे अपना अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपीज मुझे दिखाते जाएं। सब अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी चेक करवा दें। कैमरा ऑन सब लोग भी हसन क्या मसला है आप मरियम मुसाफ कल भी जल्दी से
कलीम आप जरा आप अनचेक्ड काम दिखाएं मुझे, चेक्ड काम मत दिखाएं, अनचेक दिखाएं आपने कितना किया अनचेक काम, ठीक है अनचेक्ड काम दिखाएं। और कैमरा सही करके रखें, कलीम आपको आवाज नहीं आ रही है जी। ये आज मेरे क्वेश्चन आंसर्स भी आप अपनी कॉपीज पे कर लें, हज़रत मूसा अलैहि सलाम वाले चैप्टर के। और कल इंशाल्लाह मैं आपसे सूरतुल ज़ुहा का तर्जमा जो है वो सुनूंगी, सूरतुल ज़ुहा 52 पेज पर, ठीक है। सूरतुज़्ज़ुहा का तर्जमा पेज नंबर 52 पर इसका तर्जमा है, कल आप सब लोग की तर्जमा सुनाएंगे जी। किंजा बोले माइक ऑन करें अपना। एक्सक्यूज मी टीचर, आपने कहा था कि कल मैं ये जो चैप्टर है टीचर ये जो वली और सलामत जी ओपन करें, मैं आपको लगवा देती हूँ, बाकी सबने लगाए हुए हैं। यस टीचर ओपन कर लिया। वेट जी, सवाल नंबर एक का जवाब है लॉन्ग वाले का, पेज नंबर 38 पे, पेज नंबर 38। वो मुसलमान जो अल्लाह ताला और इसके रसूल, यहाँ से शुरू होगा फर्स्ट लॉन्ग का जवाब। वली कहते हैं यहाँ तक, वली कहते हैं यहाँ तक, ठीक है yes. उसके बाद है और उसके बाद है सवाल नंबर दो है, सहाबा को बड़ा मर्तबा कैसे मिला, सहाबा को बड़ा मर्तबा कैसे मिला, इसका जवाब है पेज नंबर 38 पर, 38 पर फर्स्ट लॉन्ग के नीचे से शुरू होगा। तमाम सहाबा वली थे, यहाँ से शुरू होकर
खूब इबादत करते थे और गुनाहों से बचते थे। okay. ये बल्कि नीचे इसकी लास्ट लाइन तक कर दें इसको, सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, यहाँ तक इसका जवाब सेकंड लॉन्ग का। उसके बाद थर्ड लॉन्ग है, अल्लाह ताला का वली बनने का क्या तरीका है? जी 39 पेज पर सेकंड स्टार, 39 पेज पर सेकंड स्टार है, अल्लाह ताला का वली बनना कितना आसान है से शुरू होगा और इसी का 39 पेज का ही थर्ड स्टार की फर्स्ट लाइन के बड़ा वली अल्लाह है यहाँ तक। ओके ओके, उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन है, वलायत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जी 39 पेज पे लास्ट स्टार, है वलायत की सबसे बड़ी निशानी इत्तबाए सुन्नत है से शुरू होकर समझना बहुत गलती सख्त गलती है यहाँ तक। फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट है, जिस शख्स का अमल शरीयत के खिलाफ हो क्या वो वली बन सकता है? इसका जवाब है पेज नंबर 40, फर्स्ट स्टार, पेज नंबर 40 पे फर्स्ट स्टार है, नेक बंदों अल्लाह ताला के वलियों से करामतों का जाहिर होना हक और सच है और जिस शख्स का अमल शरीयत के खिलाफ हो वो वली नहीं हो सकता, यहाँ तक इसका जवाब है। अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा कुर्ब किस चीज से हासिल होता है? पेज नंबर 39, सेकंड स्टार, पेज नंबर 39 का सेकंड स्टार, अल्लाह ताला ने जो फराइज और अहकामात हम पर आयद किए हैं, थर्ड लॉन्ग के अंदर ही थर्ड शॉट का जवाब है। ठीक है, सुन रही है किंजा? टीचर आपने क्या, टीचर यहाँ से है ना अल्लाह ताला ने जो फराइज से लेके बड़ा वली हाँ। है तक, लेकिन ये इसके अंदर इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी यही है और शॉर्ट भी इसी के अंदर से है। ठीक है, ओके, हाँ शॉर्ट है, अल्लाह ताला ने जो फराइज और अहकामात हम पर आयद किए हैं इनकी पाबंदी से अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है यहाँ तक, ये थर्ड शॉर्ट है। ठीक है, ओके, उसके बाद है करामात, करामत किसे कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, इसका जवाब है पेज नंबर 40 पे फर्स्ट लाइन, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इज्जत बढ़ाने के लिए कभी कभी इनसे ऐसे काम जाहिर करा देता है जो आदत के खिलाफ और मुश्किल होते हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं कर सकते, इसको करामत कहते हैं यहाँ तक। फोर्थ वाले का, किस शख्स से दूर रहना चाहिए? पेज नंबर 40 पे ही इसी का जवाब, जहाँ हमने सेकंड क्वेश्चन मार्क किया था ना, जहाँ पे खत्म हुआ था सेकंड क्वेश्चन का आंसर, उसी के आगे से शुरू होगा, अगर को कट कर देना है और यहाँ से लिखना है ऐसे शख्स से, खुद से ऊपर लिखें दूर रहना जिससे कोई ऐसा काम जाहिर हो जाए जिसे दूसरे लोग नहीं कर सकते, तो वो जादू नजरबंदी अल्लाह ताला की तरफ से ढील है, इसको करामत समझना शैतानी धोखा है। टीचर कहाँ से? जहाँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ था, जहाँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ था, उसी के आगे से शुरू होगा, ऐसे शख्स से दूर रहना जिससे कोई ऐसा काम जाहिर हो जाए। यहाँ से शुरू होकर जहाँ ये पैराग्राफ मुकम्मल हो रहा है कि बात सुनने और मानने से बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आंख कान बन जाने का क्या मतलब है?
इसका जवाब है चला गया जी 39 पेज पर फर्स्ट स्टार 39 पेज पर फर्स्ट स्टार आंख कान बन जाने का मतलब ये है कि इसका देखना सुनना चलना फिरना सब अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे बन जाता है और कोई बात भी अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ नहीं होती यहाँ तक। ठीक है किंजा? यस ओके आप कंप्लीट कर लीजिएगा काम। ओके चलो गुड अल्लाह हाफिज़ क्लास।